तो आप देख सकते हैं मेरी मम्मी पूरी निकाल रही है खाने में। तो ये कढ़ाई में तेल उबल रहा है और तेल में पूड़ियाँ निकाल रही है और इधर इतनी सारी पूड़ियाँ निकाल ली है और इधर कढ़ी की सब्जी बनाई है। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज है करवा चौथ और करवा चौथ के दिन सभी औरतें चौथ माता का व्रत करती है। तो मेरी मम्मी ने भी चौथ माता का व्रत किया है। तो आज चौथ माता के व्रत के दिन मेरी मम्मी खाने में क्या बना रही है ये दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं मेरी मम्मी पूड़ी निकाल रही है खाने में। तो ये कढ़ाई में तेल उबल रहा है और तेल में पूड़ियाँ निकाल रही है और इधर इतनी सारी पूड़ियाँ निकाल ली है और इधर कढ़ी की सब्जी बनाई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से मेरी मम्मी पूड़ियों को निकाल रही है कढ़ाई में और इधर ये यक्षु भी बैठी हुई है पूड़ी खाने के लिए। ये पूड़ी खाने के लिए बोल रही है तो इसको भी पूड़ी खिलाएंगे अभी। ये भी पूड़ी बना रही है। बना रही थी ना। तो थोड़ी देर बाद में मेरी मम्मी है जो चौथ माता की पूजा करने के लिए जाएगी। चौथ माता की पूजा तब पूरी होती है जब जो औरतें व्रत करती है चौथ माता का, तो वो चौथ माता की अलग अलग कहानियाँ सुनाती है, तब जाकर चौथ माता का व्रत पूरा होता है। कहानियाँ नहीं सुनाने पर व्रत पूरा नहीं होता है। तो चौथ माता की कहानियाँ भी सुनाना जरूरी होता है पूजा करते हैं तब। पूजा करने वाली सभी महिलाएं हैं चौथ माता की कहानी को ध्यान से सुनती है और व्रत करने वाली सभी महिलाएं अपना व्रत जब चांद निकलता है रात को, चांद निकलने के बाद में ही अपना व्रत पूरा करती है, व्रत खोलती है। अगर चांद नहीं निकलता तो महिलाएं खाना नहीं खाती है। तो चांद का भी निकलना जरूरी है। अगर चांद नहीं निकलेगा तो व्रत करने वाली महिलाएं अपना व्रत नहीं खोलेगी जब तक चांद नज़र नहीं आएगा। सत्य मेरी मम्मी ने सारी पूड़ियाँ निकाल ली है और अब कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतारते हैं। मेरी मम्मी ने कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार दिया और तेल को एक साइड में रखने गई है कमरे के अंदर। तो चलते हैं खाना खा लेते हैं। खाना बन गया है तो मैं खाना खाता हूँ तब हरी मिर्ची को चूल्हे में सेक कर खाता हूँ। तो मैं हरी मिर्च को चूल्हे में सेक रहा हूँ फिर खाना खाते हैं। हरी मिर्च को इस तरह से आग में सेक कर खाना चाहिए। इस तरह से सेक कर खाने से मिर्च का स्वाद अलग का लगता है, बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से मिर्च को सेक कर खाते हैं तब इसमें इन मिर्चों में मैं नमक भी डालूंगा। मैं खाना खा रहा हूँ दोस्तों, खाना खा रहा हूँ। हरी मिर्च को सेक लिया चूल्हे में और इनमें नमक भी डाला और ये कढ़ी और ये पूरी। तो मैं खाना खा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा बना दोस्तों। कढ़ी में चाच भी डाल रखी है तो खट्टी खट्टी भी लग रही है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है कढ़ी। मिर्चों को खाते हैं।
बहुत मजा आ गया दोस्तों, खाना खाकर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। मम्मी ने बनाया था चौथ माता के व्रत के दिन। तो वो कहते हैं ना कि खाने में पूड़ी के साथ कड़ी हो तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है, तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है कड़ी के साथ पूड़ी। इधर मेरी मम्मी ने नए कपड़े पहन लिए हैं, तो ये जा रही है चौथ माता की पूजा करने के लिए, तो नए कपड़े पहन लिए हैं। चौथ माता की पूजा करती है औरतें, तो सभी औरतें नए कपड़े पहनकर जाती है पूजा करने के लिए, तो मेरी मम्मी ने भी नई ड्रेस पहन ली है और ये जा रही है चौथ माता की पूजा करने के लिए। तो दोस्तों मैंने खाना खा लिया है, खाना पीना हो गया है, ये मेरा छोटा वाला भाई भी खाना खा रहा है, तो थाली में ले रहा है कड़ी। मैंने तो खा लिया खाना, अब ये भी खा रहा है। और ये इधर ये यक्षु भी आ गई है नए कपड़े पहन के। फिर मम्मी जा रहे हैं चौथ माता की पूजा करने के लिए, तो ये देख सकते हैं पूजा की थाली। पूजा की थाली में ये सिंदूर और ये मेहंदी और ये चावल और कटोरी में घी और ये शक्कर और ये चौथ माता के लिए कपड़ा ब्लाउज का पीस और ये है लच्चा। तो ये सब सामग्री लेकर जा रही है चौथ माता की पूजा करने के लिए। तो चौथ माता का की पूजा करने के बाद में जब चांद नजर आएगा तब भी व्रत को खोलेगी, अन्यथा अगर चांद नजर नहीं आया तो व्रत नहीं खोलेगी, दूसरे दिन ही व्रत को खोल पाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरी मम्मी जा रही है पूजा करने के, पास में ही दूसरे के घर पर जा रही है, वहाँ पर और भी औरतें हैं जो चौथ माता की पूजा कर रही है, तो वहाँ पर जाकर पूजा कर कर आएगी वापस, तो गए हैं पूजा करने के लिए। और दोस्तों इस तरह से सभी औरतें एक साथ बैठकर चौथ माता की पूजा करती है और एक औरत चौथ माता की कहानी सुनाती है, तो सभी औरतें एक साथ बैठकर चौथ माता की पूजा कर रही है और सभी औरतें चौथ माता की कहानी सुन रही है ध्यान से, और कहानी के बिना चौथ माता की पूजा अधूरी रहती है। तो आप देख सकते हैं शाम का समय हो गया है और संध्या का समय हो गया है, तो मैं जा रहा हूँ हमारे जुजार जी महाराज के दीपक जलाने के लिए, तो चलते हैं जुजार जी महाराज के दीपक जला कर आते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं इधर मेरे पिताजी भी आ गए हैं, वो भी बाहर गए हुए थे तो आ गए और वो अब खाना खाएंगे, कुछ काम से गए हुए थे बाहर तो वो घर आ चुके हैं, अब खाना खाएंगे, तो हाथ धो रहे हैं, हाथ धोकर खाना खाएंगे। तो आप देख सकते हैं इधर मेरा छोटा वाला भाई भी देवी देवता की पूजा कर रहा है, ये हमारे देवी देवता और दीपक जल रहा है, और इधर मेरा छोटा वाला भाई भी पूजा कर रहा है, तो मैं भी जा रहा हूँ पूजा करने के लिए हमारे जुजार जी महाराज के दीपक जलाने के लिए, तो चलते हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हमारे खेत है और हमारे जुजार जी महाराज भी ज़्यादा दूरी नहीं है और पास में हमारे घर है, घर भी ज़्यादा दूर नहीं है और खेत भी ज़्यादा दूर नहीं है, और हमारे जुजार जी महाराज भी पास में रहे है, तो मैं जा रहा हूँ उनके दीपक जलाने के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं शाम हो गई है, अंधेरा भी होने लगे है थोड़ा थोड़ा सा, तो संध्या का समय भी हो रहा है, तो मैं भी जा रहा हूँ जुजार जी महाराज के दीपक जलाने के लिए। तो ये देख सकते हैं शाम होने लग गए तो वीडियो भी अच्छा नहीं आ रहा, थोड़ा काला काला सा आ रहा है। तो मैं आ चुका हूँ हमारे जुजार जी महाराज के, और ये हमारे जुजार जी महाराज है,
चलते हैं, दीपक जलाते हैं जुझार जी महाराज के। आप देख सकते हैं मैंने जुझार जी महाराज के दीपक जला लिया है और मैं वापस जा रहा हूँ घर पर। तो मैं आया हूँ कटिंग करवाने के लिए और ये देख सकते हैं बाल बड़े हो रहे हैं, तो कटिंग करवाने के लिए आया हूँ विनोद दादा की दुकान में। ये सभी की कटिंग ये करते हैं, तो मैं भी हमेशा इन्हीं के पास आता हूँ कटिंग करवाने के लिए। तो अभी मेरा नंबर लगा हुआ तो मैं करवाऊँगा कटिंग, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपना नंबर आने का। तो अभी ये किसी और की दाढ़ी बना रहा है। तो मेरा नंबर आ गया, तो मैं बैठ गया हूँ सीट पर और मैं करवाऊँगा कटिंग। बाल बड़े हो रहे हैं तो मैं कटिंग करवा लेता हूँ दोस्तों। गया था कटिंग करवाने के लिए, बाल बड़े बड़े हो रहे थे तो मैं कटिंग करवा कर वापस आ गया हूँ और जा रहा हूँ अपने घर पर। और देख सकते हैं काफी अंधेरा हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे मम्मी आ गए करवा चौथ की पूजा करके, और अब चांद के निकलने का इंतजार कर रही है। चांद निकलेगा तब खाना खाएगी, अपना व्रत खोलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी अंधेरा भी हो गया है और वीडियो भी साफ नहीं आ रहा है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों।